has undergone a cyclic process ABC, as shown in figure. Temperature at A is T naught. Find the volume at C. B part is the maximum temperature. C part is total heat given to the gas. Fourth part is heat rejected by the gas? And if yes, how much heat is rejected? Find out. Fifth part is find out the efficiency of the process. So we are given a cyclic process ABC. So we are given the cyclic process ABCA, pressure volume curve given. Cyclic process W होगा, total change in internal energy will be zero. So if you move from A to B, B to C and C to A. हमें A पे temperature given है. The temperature at A is T naught. हमने बताने इस पूरे process में maximum temperature कितना होगा and heat given to the system, heat rejected by the system and efficiency. और volume at C, इसकी value नहीं दी, volume at C बताना है कितना होगा. कैसे करें? You have to find first the volume at C. PV raised to power minus 1 equal to constant. क्या चीज? So origins के पास हो रही है, तो PV raised to power minus 1 equal to constant. PV raised to power minus 1 is constant. अच्छा फिर? So उससे फिर work done वगैरह क्यों भी आ जाएगा? First part तो simple है.
सिमिलर ट्राइंगल है तो वी कैन से दैट। इस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ओ ए वी नॉट एंड ओ ए सी, तो रेशियो ऑफ साइड्स शुड बी सेम। P naught upon V naught should be equals to V is equals to twice of V naught. इसका टेम्परेचर 2V naught आ गया। टेम्परेचर है टी, टी नॉट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर 2T0 इस पॉइंट का टेम्परेचर 40 नॉट। यहां तक ठीक है? साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस से जीरो। नेट हीट एनर्जी गिवन इज इक्वल्स टू वर्क डन। और इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया इनक्लोज्ड, दिस विल बी वर्क डन इन द प्रोसेस। अब हमने बताना है हीट एनर्जी गिवन, कि हीट एनर्जी गिवन कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं सिर्फ ए टू बी देखूं, ए टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन ए टू बी इज आइसोकोरिक, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो जीरो जीरो। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो हीट गिवन या हीट टेकन आउट? गिवन, हीट गिवन टू सिस्टम। बी टू सी इज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को डबल किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा वॉल्यूम को डबल किया, वर्क डन होगा या नहीं होगा? बी टू सी वर्क डन कितना होगा? टू पी नॉट इन टू वी नॉट पॉजिटिव वर्क हो रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल लो या पी डेल्टा वी से निकाल लो। सो वर्क इज डन फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? बी टू सी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो अगेन हीट इज गिवन। सी टू ए, सी टू ए वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी और वर्क डन भी नेगेटिव होगा। इस प्रोसेस में हमने हीट एनर्जी दी है, इन दोनों प्रोसेसेस में हीट एनर्जी ऐड की है। अगर मैं आपसे अलग अलग पूछूं, से अगर मेरे को बताओ से फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी,
ए टू बी हम ले रहे हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज जीरो, डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए बी. हमें क्वेश्चन में गिवन था इट्स एन मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस. एन मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस तो चेंज इन इंटरनल एनर्जीज एन सी वी डेल्टा टी. डायटोमिक गैस के लिए सी वी. डायटोमिक गैस के लिए सी वी की वैल्यू 5/2. चेंज इन टेम्परेचर ए से बी T0. सो 5/2 एन आर टी नॉट. सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/2 पी नॉट वी नॉट. दिस द हीट एनर्जी गिवन फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी. सो अगर हम डिस्कस करें बी टू सी आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में मैं डेल्टा क्यू को सीधा भी निकाल सकता था. एनसीपी डेल्टा टी. एनसीपी डेल्टा टी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? सीपी फॉर डायटोमिक इज चेंज इन टेम्परेचर इज 40 नॉट माइनस 2 टी नॉट. ठीक है ये स्टेप. अगर मैं इसको डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी डेल्टा डब्ल्यू से निकालता तो सेम आंसर आता या डिफरेंट? वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना था? पी डेल्टा वी. एंड पी डेल्टा वी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी. This can be written as, या इसको आप लिख सकते हो this is total heat energy absorbed यहां से भी वही आ रहा है 7 P0 V0. सो टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड कितनी होगी? ए टू बी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड है 5/2 P0 V0, बी टू सी 7 P0 V0. सो टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज इन दोनों का सम 7 P0 V0 + 5/2 P0 V0. सी टू ए अगर सॉल्व करके बताओ मेरे को डेल्टा यू कितना और वर्क डन कितना, इन दोनों की वैल्यूज निकालो. सी टू ए वर्क डन फ्रॉम सी टू ए फाइंड द वर्क डन एंड फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी.
सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 7.5 पी नॉट पी नॉट चेंज इन इंटरनल एनर्जी करो, बाकी भी करो बिकॉज लास्ट में आंसर्स लॉजिकल होने चाहिए ना सब सॉल्व करके. Work done from C to A निकालना है तो area under the graph, C to A area under the graph मतलब ये area कितना है? Trapezium का area half sum of opposite sides into distance between the sides 3/2 p naught p naught. पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? इट्स कंप्रेशन सो नेगेटिव. इंप्लाइज टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हो गई, हीट एनर्जी रिजेक्टेड. वर्क डन फ्रॉम सी टू ए. This is -9 P0 efficiency. Efficiency of any cycle is work done upon heat energy absorbed. Percentage efficiency nikaloge to 200. So 100/19%. आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, फिर थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं.
आपको कोई भी पीवी डायग्राम दिया, आपको सब कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए कि वर्क डन कितना होगा, किस प्रोसेस में हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर स्टेप के लिए. इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ तो. सर लास्ट स्टेप में हमने हाफ पी नॉट की वैल्यू 100 कैसे लिखी? 1 to 100 किया है ना, परसेंटेज एफिशिएंसी निकाली है. ओके सर. सर हाँ जी. सर हम वो सी टू ए हम वो पीवी रेस्ट पर माइनस वन से कर सकते हैं मतलब. सी टू ए पी बाय वी की रेशियो कांस्टेंट तो कर सकते हो ना, वही तो किया मैंने सिमिलैरिटी से भी. ओके मैंने जब स्लोप्स इक्वेट की तो वही किया कि पी नॉट बाय वी नॉट इज इक्वल टू 2P0/V. Next to it. One mole of gas. One mole of gas expands according to process as shown in figure. According to process as shown in figure. Find the maximum temperature. Find the maximum temperature in the process. Find the maximum temperature in the process. Find the maximum temperature in the process. आपको ग्राफ ऐसे गिवन है. Find the maximum temperature in the process.
कैसे करेंगे? पहले मेरे को सिर्फ ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा ए से बी का? इंटरनल एनर्जी चेंज फ्रॉम ए टू बी ये तो इजी है। ए पे टेम्परेचर कितना है? ए पे टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर का फॉर्मूला बेसिकली होता है पीवी बाय एनआर। तो ए और बी पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है? ए और बी पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम या डिफरेंट? सेम है। अगर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है तो ए और बी पे टेम्परेचर सेम ही होगा। यस सर। अगर ए और बी पे टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी जीरो आएगा बिकॉज डेल्टा टी जीरो है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपसे पूछे ए टू बी तो दैट विल बी जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रही, हमें पूछा मैक्सिमम टेम्परेचर इन द प्रोसेस। किस प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कितना? ए पे टेम्परेचर है पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, बी पे भी पी नॉट वी नॉट, बी पे भी इट्स पी नॉट, सॉरी टू पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर दोनों जगह पे। तो मैक्सिमम कितना, इससे ज्यादा होगा कहीं पे या नहीं होगा? ए और बी पे टेम्परेचर सेम है, मैक्सिमम पूछा, इस प्रोसेस में कहीं पे बीच में टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर आपको टेम्परेचर की वेरिएशन पूछी होती है इस क्वेश्चन में कि हाउ डज टेम्परेचर वेरीज एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी पे तो सेम है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, कांट बी प्रेडिक्टेड। तो टेम्परेचर की वेरिएशन है क्या? पूरे प्रोसेस में कॉन्स्टेंट ही रहता है, पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है इनिशियल वैल्यू पे आ जाता है, या पहले कम होता है फिर बढ़ता है और इनिशियल वैल्यू पे आ जाता है, क्या वेरिएशन है? कांस्टेंट ही सर। नहीं, ए और बी पे तो सेम है, सारे में सेम है। आइसोथर्मल का अगर मैं कर्व बनाऊं, आइसोथर्मल की आपने पढ़ा था स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इट्स माइनस पी बाय वी। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाले कर्व पे, इस पे नहीं। स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता आइसोथर्मल प्रोसेस का। अगर आप सारे में कांस्टेंट लेते तो उसका मतलब कि हर जगह पे पी बाय वी की रेशियो सेम है, जो नहीं होगी। आइसोथर्मल का कर्व हमेशा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ए पे और बी पे सेम है, और इस कर्व पे हर जगह सेम है। तो मेरे को बताना है बीच टेम्परेचर बढ़ा और कम हुआ, या पहले कम हुआ फिर बढ़ा, क्या वेरिएशन है? Temperature at points A and B to P naught, V naught upon NR.
द आइसोथर्म, आइसोथर्म या पिंक कलर से शो किया, अलोंग द आइसोथर्म टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। मैं अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लू, मान लो ये मैंने वॉल्यूम लिया V, ये आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला मतलब जो बना रहा हूं मैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। सी ए पॉइंट वन जो हमारा कर्व है और ये आइसोथर्म टू। पॉइंट वन पे टेम्परेचर ज्यादा है या पॉइंट टू पे ज्यादा है? प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा कहाँ पे है, वन पे या टू पे? पॉइंट वन पे ज्यादा सर, क्योंकि वहां पे वन पे ज्यादा वॉल्यूम तो दोनों जगह पे सेम है, पर वन पे प्रेशर ज्यादा है, मतलब वन पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर टू पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर है, यहाँ पे टू पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर से ज्यादा टेम्परेचर है। ए और बी पे सेम है, बीच में मैंने एक पॉइंट लिया तो वहां पे टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर पहले बढ़ा और फिर कम हुआ। इस पॉइंट से यहां तक आने में, इस कर्व पे चलते तो टेम्परेचर सेम ही था, इधर चलना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ गया वन तक आते आते, फिर ये कम हो गया और दोबारा बी पे आके सेम हो गया। तो हमने वो पॉइंट निकालना है जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है और वो कितना है। सो यू कैन we can say as shown in figure, in process A to B, product of pressure and volume first increases and then decreases such that अब अगर मेरे को निकालना है कि वो वैल्यू कितनी है जहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है या प्रेशर की वैल्यू कितनी है जब टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो वो कैसे निकालेंगे। मैं अगर इस कर्व में यहाँ पे किसी पॉइंट पे प्रेशर पूछू तो निकाल सकते हो, प्रेशर एट एनी पॉइंट या वॉल्यूम एट एनी पॉइंट निकाल सकते हो कितना होगा? नॉन मेडिकल वाले तो पक्का निकाल सकते हैं, मेडिकल वालों को तो फिर सोचना पड़ेगा। नॉन मेडिकल वाले बोलो, निकाल सकते हो प्रेशर एट एनी पॉइंट? इक्वेशन ऑफ लाइंस से निकाल सकते, हाँ तो निकालो। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, देखो क्या बनेगा। बिकॉज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम ऐसे ही लिखते हैं। इसमें y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 15.5
क्या करेंगे, यहां से प्रेशर की वैल्यू आ गई आपकी, दिस कम्स आउट टू बी माइनस पी नॉट बाय वी नॉट देखो प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है। इसके आगे मेरे को फिजिक्स का मेथड बताओ क्या करना है। आपने अगर प्रेशर निकाल लिया तो उसके आगे क्या, प्रेशर निकालने के बाद क्या करेंगे? अच्छा जब मैं प्रेशर निकाल रहा था तो आप में से किसी ने पूछा नहीं मैं प्रेशर क्यों निकाल रहा हूँ, क्या करना है मेरे को प्रेशर का? अगर मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ तो कोई रीजन तो होना चाहिए ना, मैं प्रेशर क्यों निकाल रहा हूँ? द रीजन फॉर दैट इज टेम्परेचर क्या होता है, पीवी बाय एनआर। तो P पता होगा किसी पॉइंट पे तभी निकलेगा ना। तो मैंने प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है। प्रेशर वॉल्यूम में मेरे पास ये रिलेशन आ गया, दिस इज P इज इक्वल्स टू माइनस P नॉट V नॉट इन टू V प्लस P नॉट V नॉट प्लस भी नॉट। अब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट अगर मेरे को लिखना है, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, तो इट्स पी वी बाय एन आर, मीन्स वन बाय एन आर प्रेशर इज माइनस पी नॉट वी बाय वी नॉट प्लस थ्री पी नॉट इन टू वी, मतलब वन बाय एन आर माइनस पी नॉट वी स्क्वायर बाय वी नॉट प्लस थ्री पी नॉट वी। अगर ये टेम्परेचर मैक्सिमम है तो डी टी बाय डी वी जीरो होगा। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, वन बाय एन आर को छोड़ दो, इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, माइनस पी नॉट सो यू गेट माइनस टू पी नॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पी नॉट, गड़बड़ तो नहीं की, माइनस टू पी नॉट वी is equals to 3p naught v naught. So, जब temperature 3 by 2 v naught होगा तो pressure maximum होगा, तो sorry temperature maximum होगा। ये value दोबारा इधर substitute करोगे तो you will get maximum temperature. हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है। एक बार ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो उसकी वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आया कैसे किया, कि हमें टेम्परेचर एट एनी पॉइंट निकालना आना चाहिए ग्राफ से। कि अगर मैं आपको पीवी डायग्राम दे रहा हूं तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट राइट, वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर, वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी वन expands
अकॉर्डिंग टू लॉ पी बाई वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. पी बाई वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. फर्स्ट लाइन रिपीट कर दू. वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी वन एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द लॉ पी बाई वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. वर्क डन बाय द गैस टिल टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम्स टी टू. Work done by the gas till temperature of the gas becomes T2. हमें work done by the gas बताना है कितना है if temperature increases to T2. हमें दिया P by V square is constant तो work done by the gas. Work done by the gas. टेम्परेचर टी वन से टी टू चेंज करेगा तो वर्क डन. पी बाय वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट से लेट इट बी के. Gas expands from volume V1 to V2. So you can say it's KV square ये मैंने वॉल्यूम के डाम में निकाला बट हमें दिया था टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2 तो फिर क्या लिखें रिलेशन. टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं KV2 स्क्वायर एस. वन मोल दिया तो एन को वन पुट कर देंगे अदरवाइज इट्स एन आर डेल्टा टी बाई थ्री. सो दिस विल बी द वर्क डन इन द प्रोसेस. वन मोल इट्स आर बाई थ्री डेल्टा टी आर बाई थ्री टी टू माइनस टी वन. नेक्स्ट इज the pressure temperature graph for a cyclic process is as given. And AC is an adiabatic process. And AC is an adiabatic process. Draw the corresponding PV diagram.
ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम. हमें प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया है और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है. एक प्रोसेस बीच में से दिया है, इट्स एडियाबैटिक. बेसिकली हमें जो अभी ग्राफ से पता चल रहा है, बीसीज आइसोबैरिक प्रोसेस. बी टू सी प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कम हो रहा है. वॉल्यूम कम होगा बढ़ेगा? कम होगा. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो बी टू सी आइसोबैरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा. ए टू बी इज आइसोथर्मल. टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. ए टू बी प्रेशर कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है. वॉल्यूम बढ़ेगा. बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है और ए सी हमारे को दिया है, इट्स एडियाबैटिक. ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट एनर्जी चेंज नहीं हो रही और टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो व्हाट अबाउट वॉल्यूम? एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कब बढ़ता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन में बढ़ता है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बढ़ता है? एक्सपैंड करेंगे तो कूलिंग होगी या कंप्रेस करेंगे तो कूलिंग होगी? Expand करेंगे तो कूलिंग होगी. यहाँ पे C2A टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इट्स अ केस ऑफ कंप्रेशन. एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है. हमने इसका करेस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम बनाना है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व. A to B is a case of isothermal expansion. Isothermal expansion का ग्राफ बनाओ सबसे पहले. A to B isothermal expansion. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ सिर्फ पैराबोलिक बनेगा. अभी बनाया था हमने पीछे क्वेश्चन में, जहां पीवी स्ट्रेट लाइन था मैंने आइसोथर्म बनाया था. तो वैसे पैराबोलिक बात बनेगा, कर्व बनना है बेसिकली. पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, पर पैराबोला तो नहीं बनाएंगे. बट ए टू बी, बी टू सी इज आइसोबैरिक.
So this will be the pressure volume curve. P to C pressure constant रखना है, फिर C to A volume कम करना है, pressure बढ़ाना है. So this will be the graph, PV diagram for the process. ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? कि A to B isotherm बनाना है, B to C isobaric का कर्व बनाना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को कम करना है. सो B to C हमने शो किया कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो गया. फिर C to A दोबारा प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कम हो गया. क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस है तो कंप्लीट कर देंगे कर्व को, C और A को ज्वाइन कर देंगे. बिकॉज अगर आप दो बना लोगे तो थर्ड तो फिर ज्वाइन करने वाला होता है सिर्फ. अगर A to B, B to C बन गया तो C to A को ज्वाइन करना है. आपको सिर्फ ये देखना होगा कि वो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है या कर्व ज्वाइन करना है. इस ग्राफ से पता चल रहा है कि एडियाबैटिक की स्लोप जो है वो आइसोथर्मल से ज्यादा है. नेक्स्ट, वन मोल ऑफ one mole of ideal gas is at initial state A undergoes a cyclic process. ABCA as shown. Its pressure at A is P naught. Sir, undergoes के बाद क्या था? Cyclic process ABCA. Its pressure at A is P naught. Find the work done in the process AB. Find work done in the process AB. आपको वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया है. वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी. Easy. A B कौन सा प्रोसेस है? क्या कांस्टेंट रहता है? A to B. Temperature. A B is isothermal. A B isothermal and work done is 2.303 nR T naught.
either you can say 2.303 nr t naught log 4, or you can also say 2.303 p naught v naught log 4. ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था. नेक्स्ट टाइम करते हैं, शाम को भी क्लास लगाएंगे सेम थर्मोडायनेमिक्स की. सो इसमें देख लेना कुछ पूछने वाला हो तो.